गोयभर येतले, तातूंत मडगांवचो सिटूय भितर तातूंत भितर आसतलो हे मडगांवकरांच्या तर्फे हांव सांगपाक सोदतां. 23 वर्सां जाली मडगांवाक एक आमदार म्हणून लाभिल्लो आसा. 23 वर्सां 1994 ते 2017 पर्यंत 23 वर्सां भितरली 16 वर्सां हो मनीस मंत्री आशिल्लो. ह्या 16 वर्सांतली 5 वर्सां पूर्ण कार्यकाळ हो मनीस मुख्यमंत्री आशिल्लो. प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक खातें हे तुजे बरोबर आशिल्ले, तुजे खाला आशिल्ले. कित्याक मडगांवचो विकास जावपाक पावलो ना? अजूनय बी 23 वर्सांच्या नंतर अनाफोंत आनी रवींद्र भवनाचे गोडवे गावपाचे? कितें केलें फाटल्या 23 वर्सान हे लोकांक सांगपाची गरज आसा. आज गोंयान मेजर आमचो सोर्स ऑफ इनकम हो टुरिजम आसा. टुरिस्ट येतात ते खंय वतात? एक तर नॉर्थ गोवान वतात, कोस्टल एरियान वतात, नाल्यार फुडें काणकोण वतात. मडगांवान येदे मोठे शार जावन, गोंयचे नंबर 2चे शार जावन सुद्दां मडगांवान आज टुरिस्ट कित्याक येनात? कितें पळोवपाक येतले मडगांवान? मडगांवची घाण पळोवपाक येतले? प्रत्येक सोसायटीचे व्हांवते ते गटार पळोवपाक येतले? पणजेच्यान मडगांव पावपाक 30 मिनटां लागतात, पूण मडगांवच्या कदंबा बस स्टँडा वयल्यान नावेली पावतलो आनी 40 मिनटां लागतात. फाटल्या 23 वर्सान मडगांवच्या खंयच्याच प्रश्नाचे उत्तर जर मडगांवचो आमदार काडपाक शकलो ना जाल्यार फुडली 5 वर्सां ह्या मनशाक आमी कित्याक दिवची? हो प्रश्न प्रत्येक मडगांवकारान स्वताक विचारपाचो गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ह्या प्रश्नाचे उत्तर प्रत्येक मडगांवकार येता त्या 4 तारखेक ह्या मतपेटयेंतल्यान भारतीय जनता पार्टीचे कमळा मुखावयले बटन दामून ह्या 4 तारखेक हाजे उत्तर दितलो. मडगांवान भितर ह्या निवडणुकेन बदल घडटा, मडगांवकार हे बदल घडयतले, दामबाबाच्या आशिर्वादान हे बदल घडयतले, मडगांवकारांच्या इच्छेन हो बदल घडपाचो आसा. हांव चड वेळ तुमचो घेना, म्हाका 2 मिनटां दितली, 2.5 मिनटां जाल्ली आसात म्हजे, हांव वाणीक विराम दिता. सगळ्यांक परतून एकदां देव बरें करूं. भारतीय जनता पार्टीचो धन्यवाद बाब शर्मत, एंड ऑल द बेस्ट. आयची सभा फुडें व्हरतना आमचे लाडके नेते फातोडाचे माजी आमदार आनी भावी आमदार आनी उमेदवार बाब दामू नायक हांणी हांगा सभेक संबोधीत करचे. आदरणीय मंच, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमितभाई शाहजी, आमचे सगळ्यांचे लाडके नेते आणि भारताचे रक्षामंत्री श्री मनोहरजी पर्रीकर, आमचे आयुष्य मंत्री श्रीपादजी नायक, आमचे गोयचे अध्यक्ष श्री विनय तेंडुलकर, सगळे हांगासर बसिल्ले माचेवयले मानेस्त पत्रकार बंधू आणि तुम्ही सगळे भाव भयणांनो, हांव वेळेचे भान राखून फक्त 2 मिनटां उलयतां. आज राजकारणान भितर एक जर आयाम, एक जर नवो विचार जरी जर कोणे तर दवरलो आणि तो म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान, आणि तो जांच्या तल्लक मेंदूतल्यान अनेक विचार लोकांकडे पावयले ते म्हटल्यार आमचे सगळ्यांचे USP ते म्हणल्यार मनोहरबाब पर्रीकर. उदरगतीची एक नवी व्याख्या दिली. उदरगत म्हणल्यार कितें हे जर कोणे दाखोवन दिले की फाटले गोंय स्वतंत्र जाले नंतरची 60 वर्सां आणि मदलो जो इतलो काळ या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान दाखयली कामगिरी जर एका तागडेन घालून जर जोखून पळयली जाल्यार निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे तागडी सगळ्यांक सकयल आसतली. आणि हे सगळे किमिया केली, हांगा हांव स्किमी उलोवपाक वचना, त्यो सगळ्यांक खबर आसा. ल्हान भुरग्या पासून जाणट्या पर्यंत सगळ्यांक ज्यो स्किमी दिल्यो त्यो स्किमीचो हांगा उल्लेख जावचो ना. हांगा उल्लेख मुद्दमून जातलो उदरगतीचो. आणि ती उदरगत आम्ही पळयत आसात. फातोर्डेन भितर हांवें म्हजे मॅनिफेस्टोन www.fatorda ह्या माध्यमातल्या लोकांकडल्यान सजेशनां मागयली आणि त्या सजेशनाचे उत्तर जर आसा तो मॅनिफेस्टो तुम्ही पळयतात. सनसोडो, गार्बेज कोणाक जाय कोणाक नाका, पण खुबशा लोकांक गार्बेज जाय कारण त्या गार्बेजीतल्यान तांकां पैसो करपाचो आसा. आणि फाटले 3 वर्सान जे पूर्ण बहुमतातले सरकार आयले थंय आमच्या लाडके मुख्यमंत्री पयलीचे मनोहरभाई पर्रीकर हांकां सांगातान घेऊन मायकल लोबोन 3 वर्सान साळेगांव पठाराचेर एक अत्याधुनीक असो कचऱ्याचो प्रकल्प हाडलो 3 वर्सान. आणि आम्ही फातोर्डे हांगा आसा, मेट्रोन आसा, हांग फाटली 20-25 वर्सां हे कचऱ्याची घाण घेतात. आमकां हांगा मुख्यमंत्री लाभले, आमच्या सालसेतीन लाभले, आमकां हांगा UD मिनिस्टर लागले, आमकां हांगा सगळे मिनिस्टर मेळ्ळे.
पण मडगावचो सगळ्यात वडलो प्रोजेक्ट म्हटल्यार मडगावचो बस स्टँड अजूनही जायना. आमचे अनेक अशा योजना असत. आमच्या साश्टीकरा भावा खातीर एक पासपोर्टाचे ऑफिस जाय, उठ सूट पणजे वच्चे पडटा. पण त्या खातीर एक पासपोर्टाचे एक ल्हानशे जर ऑफिसर हांगा असले जाल्यार म्हजे सगळे फातोर्डेकर आसतले, टिंबुवना सगळे साश्टीकर आसतले, तांकां एक दादाय सादोसकाय मेळटली. आणि असे अनेक विषय घेऊन आम्ही या जाहीरनाम्यातल्यान पुढे तुमकां एक जे आशा असा, पुढे एक जे स्वप्न असा ते पूर्ण करपाक फुडे वता म्हणून हात जोडून मागता. ह्या वेळाचेर तुमचे कडेन हात जोडून मागता. कितें तरी खंय तरी चूक जाले आसतली म्हजे कडल्यान. हांव केन्ना जनतेन चूक केली म्हणना. त्या चुकींतल्यान हांव खूब कितें शिकलां. आणि म्हणून हात जोडून मागता की येणारी ही विधानसभा असा, त्या विधानसभेत भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतलेच, पण माचये वयले सगळ्यांक धरून फातोर्डेचे सीट सुद्धा त्या 26 भितर आसचे हाचो दृढ निश्चय तुम्ही करचो पडटलो. आणि हांव तुमकां उत्तर दिता. फाटले 2 टर्म हांव आमदार आशिल्लो. हांव भाई मनोहर पर्रीकरच्या हाता सकयल शिकलो. म्हजेच कडेन खंय तरी चूक जाली आसतली, त्या चुकीचे म्हणजे फाटली 5 वर्सां आमी फाटी उरले. पण हाजे फुडें आमी फाटी उरचे ना. ह्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान, तांच्या सगळ्यांच्या बळग्याचेर ह्या फातोर्डेचो विकास वो फुडें जावपाचो आसा. आणि ताका साक्षी हांगा बशिल्लो वो सगळो तुमी 5000 लोक आसतलो हे तुमकां हांव उतर दिता. तुमची अशीच कृपा उरतली. तुमी मोठ्या मनान आमकां फातोर्डेचे सीट हे विजयी करतले अशी अपेक्षा दवरता. परतून एकदा मन काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पण एक सांगता, रात्र वैऱ्याची आयल, आता बियरीची बाटली येतल्यो, आता सोरो येतलो, पैशे येतले, गुंडगिरी येतली, एरोगन्सी येतली. पण ह्या टायमाचेर एक विचार करात, तो विचार म्हटल्यार आमचे गोंय, गोंय आणि गोंय. आमी फक्त स्किमी 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 उलयतात. आमी ह्या स्किमीच्या भायर सुद्धा जर 2 शब्द जर उलयले तर हांगसर बशिल्ल्याच्या सगळ्यांच्या भुरग्यांक हांव मुद्दमून म्हणटा, हे सगळ्या भुरग्यांचो जो फुडार आसा तो फुडार ह्या सरकारान केल्लो आसा. आयआयटी मेळ्ळी, कन्व्हेन्शन सेंटर मेळ्ळे, स्मार्ट सिटी मेळ्ळी, जुवारीचो पूल जाता, मांडवीचो पूल जाता, कालवीचो पूल पूर्ण झालो, गालजीबागचो पूर्ण जाता, सबद्री लाईन जाता, अनेक अनेक विकास कामां जाता. आणि ह्या विकास कामाचे भागीदार आम्ही आणि आमची भुरगीं आसतली. म्हणून आमच्या भुरग्यां लागून आमकां मत दिवपाक जाय स्थिर सरकाराक. आणि तो स्थिर सरकार जर दिवंक शकता ते दाखवून दिल्ले आसा फाटल्या 5 वर्सां भारतीय जनता पार्टीन. आणि त्या खातीर एक विचार करात, जो विचार एक आमच्या लिडराच्या तकलेंतल्यान भायर सरला, एक विचार नरेंद्र मोदीच्या स्वप्नातलो आसा, तो विचार आमी साकार करपाक आमकां फातोर्डांत कमळ फुलोवचेच पडटले. आणि ते तुमी फुलयतले अशी अपेक्षा करता. आणि म्हजे 2 शब्द सोबयता. बोलो भारतीय जनता पार्टीचा जोरान आवाज जाल्यार आमी फातोर्डेकर जिंकतले. बोलो भारतीय जनता पार्टीचा हात वयर काढून म्हणत पळया, भारतीय जनता पार्टीचा देव बरे, भारतीय जनता पार्टीचा. आमचे पदे हांगा उपस्थित आसात दक्षिण गोयचे खासदार माननीय नरेंद्र सावयकार. पण काहींचे वेळेचे बंधन आशिल्ल्या कारणान नरेंद्र बाबान सांगला आज आपण उलोवचे ना आणि ही कार्यावळी फुडें व्हरतना आमचे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जे हांगा आसात तांकां आमी हार घालून तांकां संवेदन मेळून येवकारतात. भारतीय जनता पार्टीचे सरकार परत गोयात येवप येणाऱ्या 5 वर्सां खातीर हे अत्यंत गरजेचे आसा. आणि आयची ही प्रचंड सभा ही 5 मतदारसंघा खातीर जाता. या सभेतल्यान सिद्ध जाता की येणारे सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचेच आसतले. आयची ही सभा फुडें व्हरतना अमित शाहजीक परत एकदा येवकार दितात आयच्या फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएंसीन. आणि आमच्या मानेस आयुष्य मंत्री श्रीपाद भाऊ हांकां विनंती करता की ताणें आपली सभेक संबोधित करचें.
भारतीय जनता पार्टी या प्रचार सभे व्यासपीठा उपस्थित आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाहजी, रक्षा मंत्री बाब मनोहर पर्रिकर जी, आमचे दक्षिण गोंयचे खासदार बाब नरेश सावयकर, माचेर बशिल्ले पार्टीचे अध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर, सगळ्या मतदारसंघाचे सगळे उमेदवार, त्याचबरोबर पक्षाचे सगळे पदाधिकारी उपस्थित, पत्रकार बंधू मोठ्या संख्येने उपस्थित, मडगावच्या आसपासच्या गावच्या भावंडी बहिणी, पयलींच फातोड्याच्या मेळाव्याक हांगा येवप जाल्ले आनी आमचे विचार आमी तुमचे समोर मांडिल्ले। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षांक मातशें बेगीन वचपाचे म्हणून चड वेळ घेनासतना फक्त एक दोनूच मिनटांत तुमकां सगळ्यांक परत एकदां अपील करता, तुम्ही सगळ्यांनी भारतीय जनता पक्षाचे दोन वेळा गोंयांत सरकार अनुभवले। गेली 55 वर्सां ज्या सत्ताधाऱ्यांनी हांगा सरकार चलयली ताणी ह्या गोंयची कशी उदरगत आडवन दवरली हे तुमकां सगळ्यांक खबर आसा। आनी त्यामुळे गेल्या 5 वर्षांत ज्या पद्दतीन तुम्ही स्थिर सरकार दिले, भारतीय जनता पक्षाक मेजॉरिटी दिली आणि त्या स्थिर सरकारच्या आधाराचेर तो गोंयचो विकास झालो, तो म्हाका दिसता गेल्या 20-25 वर्सां इतलो विकास जावं नाशिल्लो जितलो विकास ह्या 5 वर्सांत जाल्लो आसा। त्याच्या जोडीक केंद्रांक आमकां सरकार मेळ्ळें आणि केंद्र सरकारान ज्या पद्दतीन गोंयच्या विकासाक मोठो हातभार लागिल्लो आसा त्या कामाचो उल्लेख म्हज्या पयलीं वक्त्यांनी केल्लो आसा। जवळजवळ 40,000 कोटी रुपया हे रस्ते पूल हेच्या खातीर आमच्या नितीन बाब गडकरी यांनी गोंया खातीर सेंक्शन केल्या, कामं सुरू झालं। 34,000 कोटी वा आमचे रक्षा मंत्री बाब मनोहर पर्रिकरांनी गोंयांत कितरी उद्योग सुरू जावचो, एम्प्लॉयमेंट आमच्या तरुणांक मेळचो त्यासाठी हांगा काय तरी उद्योग काडपा लागून गोवा शिपयार्डाक दिले। म्हज्या मंत्रालयाच्यान दोन नॅशनल इन्स्टिट्यूट, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ योगा आणि नॅचुरोपॅथी, जवळजवळ 1,000 कोटीची कामं ही आता लगेच सुरू जातली। जवळजवळ दक्षिण आणि उत्तर गोंयांत आयुर्वेदाचे हॉस्पिटल सुरू जातली दोन। अशा मुळे जी जी काही मदत आमकां करपाक गेली, जवळजवळ आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजीक एक सुपर स्पेशलिटी वा विभागा खातीर, कारण एम्स इतल्याच लेवलाचे ताका हाडपा खातीर जवळजवळ 150 कोटी रुपया हे आमच्या खात्यातून आम्ही ह्या हॉस्पिटलाक दिला। आणि त्यामुळे जे जगा कितें दिवपाचे झाले ते गोंयचो विकास हो फुडें व्हरपा लागून आमी सगळ्यांनी केल्ले आसा। आणि त्यामुळे त्यांनी विकास हाडयलो अशा मनशा अशा पार्टी कडेन आमी वेगळ्या पद्दतीन पळोवचे पडटले। हांव आज सकाळीच पेपर वाचतना विचार येतालो जे कोण बाबडे गोवा फॉरवर्ड व्हरपाक खंय तरी प्रयत्न केला, फॉरवर्ड वतला ना वतला ही नंतरची बाब, परंतु त्यांचो सुद्धा विश्वासघात करपी काँग्रेस विकास हाडयलो हाडयलो परंतु हांकां सुद्धा हाडोवपाचे काम हे सगळे करतात। आणि त्यामुळे आमच्या सगळ्यांक एक चॅलेंज आसा, आव्हान आसा। 66 आमकां तेको दिला, कांय नाशिल्लो ते खूब वयर आयल्यात, आमी एक आमदार दिला आणि त्यामुळे येणाऱ्या विधानसभेन हांगसरले कमीत कमी 5-6 आमदार या 66 तुम्ही निवडून दिवू जाय। आणि म्हाका दिसता तुम्ही सगळ्यांनी मनां घेतल्या तुम्ही कितेंय करू शकतात त्याचो प्रत्यय आमकां खूप पटांक दिसला। आणि त्यामुळे तुमकां आव्हान करता की विकासाक भारतीय जनता पक्ष खंयच फाटी ना, बरी स्थिरता दिली, जे कितें लोकांक लोकशाहीच्या माध्यमातून सरकारच्या माध्यमातून पावूंक जाय थंय आमी कमी पडोनात। आणि त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाक मत न दिवपाचो प्रश्नूच येना अशें म्हाका दिसता। आणि त्या खातीर विकास आणि गतीन फुडें वचपा लागून जो कितें उरिल्लो विकास आसा तो विकास संपूर्ण पुरो करपा लागून आमकां सगळ्यांक ह्या गोष्टीचो विचार करचो पडटलो आणि बाकीच्या सुद्धा लोकांक सुद्धा सांगचें पडटलें
कि विकास गोय फुढे वरपाल करून गोय बरेच फुढे सरता वेगवेगळ्या क्षेत्रांनी नंबर एक चे राज्य लहान राज्यांनी नंबर एक चे राज्य आम्ही झालो आणि त्यामुळे आमचं फुडलं जो टप्पा असतो ज्या राज्यात ज्या देशातले एक नंबर वन राज्य करपाचे स्वप्न जे असा ते तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्याने पूरे करू शकतात त्यामुळे जास्त वेळ न घेता मी सगळ्यांनी येणाऱ्या 4 तारखेक भारतीय जनता पक्षाला तुम्ही परत एकदा आशीर्वाद दिवचो आणि जास्तीत जास्त सीट त्या संसदेच्या निवडून दिवचे अशी मनापासून तुमच्याकडे मागता प्रार्थना करता आणि माझे 2 शब्द सोपयता भारत माता। धन्यवाद श्रीपाद भाऊ। आमच्या मध्ये उपस्थित असत श्री निर्मल कुमार सुराना इलेक्शन इन्चार्ज फॉर साउथ गोवा कर्नाटक स्टेटीचे व्हाईस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टीचे आणि माझी आमदारही आशिले ते वी वेलकम यू सर। तसेच आमच्या मध्ये उपस्थित असत आमचे गोयचे गोय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर। विनय तेंडुलकर बाबांनी असा रखात दिला की वेळेचे बंधन आशिल्या कारणान आपणही काही उलवचो ना पण म्हणजे शुभेच्छा हे सगळे पाथरी कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर असतात। आयची कार्यावळ फुडे वरतना आमचे सगळ्यांचे लाडके नेते आणि देशाचे संरक्षण मंत्री मनोहरभाई पर्रिकर हांका विनंती करता की ताणी सभेक संबोधित करचे। सांसेतींच्यान कमळो फुलोया फातोड्ड्याच्यान मडगावच्यान आणि कुर्तरी खूप तळी असा त्या कुर्तरीच्या तळ्यांच्यानही कमळ फुलतले अशी हांव अपेक्षा करता। आमचो बाब राजेन उर्फ सुभाष नाईक तोय कमळ फुलयतलो कुंकळेच्यान आणि विनय तारी नव्या उमेदान भायर सरला। पहिले हांव सगळ्यांक उल्लेख करता आमचे माननीय अध्यक्ष अमितभाई शहाजी हे मुद्दम तांच्यानी गोंयाक टायम दिलो अत्यंत बिझी उत्तर प्रदेश सारखो व्हडले राज्य उत्तराखंड सारखे राज्य जिंकपाक तांच्या प्रयत्नाची आणि प्लॅनिंगाची गरज असताना सुद्धा गोंया खातीर हो तांच्यानी टायम काढलो हाज्या बद्दल हांव तांचे आभार मानता। आमचे गोय राज्याचे अध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर हांच्यानी सदांच पक्षा खातीर प्रचंड सॅक्रिफायस केल्लो मिनिस्ट्री दिली ह्या खेपा इलेक्शनाचो सिटार आपलो क्लेम सोडलो ते बाब श्रीपाद नाईक बाकी नरेंद्र सावयकर हांगाचे कॅन्डिडेट शर्मत रायतुरकर हे कमळ विसरलो तेजे रावलो पण म्हाका दिसता उशीरका आसना पण मडगावकरांक जाग येवपाक लागले अजून म्हाका हाणें छत्रपती म्हणलो म्हणून हांव म्हणटा रायगडला जाग येत आहे। प्रमोद रायतुरकर विनय तारी सुभाष नाईक आर्थूर सिल्वा दामू नाईक तुम्ही सगळे जाण तुम्ही हांगा उत्सुक असा अमित भाई ते भाषण ऐकपाक त्यामुळे हांव खूप वेळ घेता फक्त हांव इतलीच गोष्ट सांगू शकता चड करून या 2 कॉन्स्टिट्युएन्सीची फातोड्ड्याचो आमदार जो असा ताका स्वप्नां पडटा गोंयान हंग असेंब्ली जातली आणि मागीर आपल्याक चान्स पडटलो ही ताजी कल्पना असा। पहिल्या दिसा काँग्रेसी बरोबर दुसऱ्या दिसा काँग्रेसीच्या विरुद्ध पहिल्या दिसा काँग्रेसवाले सगळे बरे दुसऱ्या दिसा काँग्रेसवाले चोर असे उलटे सुलटे कॉमेंट आम्ही ऐकत असात। संसदेचेर जर सगळ्यांत चड कोणाचो फायदो झाला असत जाल्यार जोकी आलेमोन दिगंबर कामती फाटोफाट म्हाका दिसता तुमचो फातोड्ड्याचो आमदार कसो फायदो कितें आसा ते तुम्ही पळया। आता आम्ही तो घेतला प्रोजेक्ट इलेक्शन कोड वतकच हे सगळे साफ करून 1.5-2 महिन्या भितर आणि मडगाव जरी आमचो आमदार नसलो फातोड्ड्या जरी आमचो आमदार नसलो तरी गोयचे प्रत्येक कानो कोपरो हो आमचो असा हे भारतीय जनता पक्ष मानता आणि म्हणून मडगावकरांचेर
फातोड्डेकारांचेर अन्याय जावचो ना, तांचे आमी काम ऑलरेडी करपाक सांगलेले आसा, तोंचोडो लीक करून दिवपाची जबाबदारी आमची आसा। म्हाका दिसता तुमकां कुर्तरेन पडटा तो म्हाका खबर आसा, पण तुमची जबाबदारी आसा। हांगा बसलेले आमचे पातळ वीर पांडव, हा पांडव गोंय आहा गांवांत हांव रावलो, शिक्षणूय केलां म्हजें, त्यामुळे पांडव गोवा म्हाका खबर आहा। हे पांडव तुम्ही निवडून हाडटले अशी हांव अपेक्षा करता, आनी तुमकां इतलेंच उतर दिता की मडगांवचे पूर्ण कायापालट करपाक 5 वर्सां भितर जातलो। आतां सध्या मडगांव आयलो म्हणून कशें कळटा, बायपास क्रॉस केलो की कचऱ्याचे ढीक सायडीक लत दिसता। हो अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आशिल्लो म्हणून लत दिसता। 5 वर्सां मडगांवान मुख्यमंत्री राज्य करतालो, मुख्यमंत्री जालो तो फक्त स्वतःचे पळोवपाक, जनतेची सेवा करपाक न्हय। चड वेळ लुई बर्गरा बरोबर काढलो, जनते बरोबर काढलो ना। जनतेक उदकाची गरज आसा आणि त्यामुळे जायका प्रोजेक्ट बेगीन फुडें वचूंक जाय हाची चिंता नाशिल्ली। फायलीर साईन करच्या पयली कितें जावंक जाय आसलें ताजे जर तुमकां वाचपाचें आसत, न्यूयॉर्काच्या कोर्टान जे स्टेटमेंट दिला लुई बर्गरान तो वाचा। नाव घेवन दिगंबर जावपाचो ना, पण हांव इतलेंच सांगता, दिगंबराचो दुसरो अर्थ म्हणजे सगळ्यांक सोडून दिवप। पण मडगांवच्या लोकांक इतलें शाणपण आसा, येणाऱ्या हातून ते हांव बारीक विचार करता। 90-91 सालांत आमी राजकारणांत आयले जेव्हा भारतीय जनता पक्ष कांयच नाशिल्लो। 10 वर्सां हांव राजकारण पळयतालो, 10 वर्सांक 12 मुख्यमंत्री दिले काँग्रेसीक, लोकांनी काँग्रेसीक मतां घालप आनी काँग्रेसीन दर 10 महिन्यांत मुख्यमंत्री बदलो। टोटल इनस्टेबिलिटी, कसल्योच प्रगती फुडें वचनासले, कसलेच डेव्हलपमेंट फुडें वचनासले, भ्रश्टाचाराची परम सीमा जाली। 2000 आमकां संधी मेळ्ळी आनी पयल्या खेपा गोंयाक घटक राज्य जातकूच स्टेबल सरकार भारतीय जनता पक्षान दिलें। इतल्यो ताळयो मारून जावचें ना, कारण स्टेबल सरकार पात्रा भशेन जड दिगंबरानूय 5 वर्सां दिल्या, पण आमच्या सरकारान प्लॅनिंग केलें। काँग्रेसीन केन्ना गोंयच्या विकासाचें प्लॅनिंग करूं ना। 1996 म्हाका याद जाता, प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री आशिल्ले, एक दीस धावत धावत असेंब्लीन आयले आनी आमकां सांगपाक लागले दुवारी पूल वीक जाला, कोसळूंक शकता, त्यामुळे आपणें बंद केला फाल्यांच्यान आनी फाल्यांच्यान फेरीबोटीन क्रॉस करा। दुसऱ्या दिसा पासून 6 महिने आमच्या नशिबान फेरीबोट आयली, दुवारी पूल मातसो घट केलो, घटमूट केलो, ताजे वयल्यान गाडयो वतात। अजूनय ताका 10 वर्सां लायफ आसा घटमूट केल्या म्हणून। पण 96 जी घटना घडलेली ताका ऑल्टरनेटीव म्हणून नवो पुलाचे प्लॅनिंग जे करपाचे आशिल्ले ते 2000 भारतीय जनता पक्षाचे सरकार येव पर्यंत काँग्रेसीन करूं ना। 2000 जे आमी प्लॅनिंग चालू केले, हांव केंद्रान वचून अटलजी को विशय सांगलो, दुर्दैवान इतल्यान अटलजीचे सरकार गेले, आमचे सरकार फाटोफाट स्पेशल टीम धाडून काँग्रेसीन हटयले, डिसमीस केले गेले इलिगली। मागीर 2012 वाट पळोवची पडली, 2012 आमी हे प्लॅनिंग फुडें येले आनी प्रधानमंत्री मोदीजी जातकच 6 महिन्या भितर ह्या पुलाक एप्रुवल मेळ्ळें, दुवारीचें काम चालू जाल्लें आहा। अरे गोंय, दक्षीण गोवा वेगळो, उत्तर गोवा वेगळो। आतां दुवारीचो स्टेट ऑफ आर्ट पूल फुडल्या 2.5 वर्सांत तयार जातलो, पण जर तूं त्या सायडीक गेला जाल्यार 4 खांब्याचे पायलिंगाचें कामूय सोंपलें। केवळ जुवारीचो पूल न्हय, तर नॅशनल हायवे 17 4-lane 6-lane करपाचे सुद्धा काम केंद्र सरकारान सँक्शन केलें आहा। गोंय हाज्या पासून पत्रादेवी पासून म्हापशा पर्यंतची ऑर्डर ऑलरेडी जाल्ली आसा। आनी जी जी स्कीम आमी घेवन गेले केंद्रा कडेन, त्या त्या स्किमीक 3 महिन्या भितर अनुमोदन केंद्र सरकारान दिल्ले आसा। प्रचंड मोठ्या प्रमाणार ते गोंय लिबरेट जातकच जितले 50 वर्सांक 52-53 वर्सांक जितले पयशे गोंयाक मेळ
मोदीची ते सरकार येतको ताज्या 4 पटीन पैसे केंद्रान गोयच्या प्रोजेक्टाक सँक्शन केल्या. हांव तुमकां गॅरंटी दिता गार्बेजचो प्रश्न मडगांवचो आमी सोडयतले. ताजे खातीर मुद्दाम तुमी सगळ्या लोकांक इलेक्शन जातकच आमंत्रण आसा. कोळंगुटे ह्या पठाराचेर तुम्ही वेबसायटीचेर वचशे समजतले. पयलीची परिस्थिती सोनसड्याच्या 4 पटीन ढीग आशिल्ले. आयज थंय एक ट्युरिस्ट अट्रॅक्शन सेंटर जाल्ल्या. दिसाक 200 भुरगे पावतात. हांवें पणजे मतदारसंघांच्या महिलांक सांगले वचून येयात, एक विजीट करून येया. येतकच तांच्यांनी सांगले गार्बेजी ते ट्रिटमेंट जाता अशें लक्षण सुद्दां येना, वास येना, कसलीच कचरो पडलो ना, सगळें ग्रीन आसा. गार्बेजींच्यान पावर जनरेट जाता, सरप्लस पावर जाल्यामुळे ग्रीडीक मेळपाची आसा. भारतीय जनता पक्षान स्टेबिलिटी जी दिली ती एक्टिविटी सकट, प्रॉस्पेरिटी सकट, प्लॅनिंगा सकट. आणि म्हणून आज गोव्याच्या ह्या टोकापासून त्या टोकापर्यंत होता. तुमका लक्षात येतले की मोठ्या स्पीडीन हांगाच हे कॉलेज तुमच्या हांगा ताजो पयलो टप्पो जाल्लो आसा. ताजे उद्घाटनूय जालें. भुरग्यांक बरी सुविधा मेळची म्हणून गोंयच्या सगळ्या कॉलेजी स्टेट ऑफ आर्ट आम्ही डेव्हलपमेंट. कॉलेज असत, रस्ते असत, पूल असत, तुम्ही जाय त्या गोष्टीचे वॉटर सप्लाय असत. साळावलेचो वॉटर सप्लाय मडगांवात सगळीकडे सारखो पावना असल्या म्हणून 100 MLD आणि 40 MLD दोन प्रोजेक्ट ह्या सरकारान पूर्ण केल्ले आसा. आयज वास्को पर्यंत सारखे उदक मेळटा आणि फुडल्या 3 वर्सां भितर केंद्रान सुद्धा प्रधानमंत्रीच्या डायरेक्शना प्रमाणे इन प्रिन्सिपल अप्रुव्हल वॉटर सप्लाय अँड सिवेज ट्रीटमेंटाच्या गोयच्या सगळ्या प्रकल्पांना. गोयचे डेव्हलपमेंट हे भाजपानूच केले, पण केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर न्हय तर गोयचे सोशल डेव्हलपमेंट केले. महिलांक रिझर्वेशन जावं म्युन्सिपल काउन्सिल आणि पंचायतींनी मेळ्ळे 1/3. एखादी म्युन्सिपाल्टीन 30 मेंबर असत जाल्यार 10 जण महिला असतात. खरं गेले महिलांक एक एम्पावरमेंटची ताकद मेळ्ळी, पण ह्या जाग्यार 30-40 हजार महिला असतात. तातल्यो फक्त 10 जणांक एम्पावरमेंट करून जायना. गोवा सरकारान लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधार स्किमीच्या आधारे गोयच्या महिलांक एक कॉन्फिडन्स दिल्ले आसा. हे एक ल्हानशी घटना सांगपाची, चड वेळ हांव घेना, पण ल्हानशी घटना मुद्दम सांगता. लाडली लक्ष्मी योजना आम्ही डिक्लेअर करतकच एक दीस म्हाका एनवलपान एक फॉर्म आयलो सही करपाक. पणजेचे हांव फॉर्म सही करून दितालो. तोच फॉर्म दुसऱ्या गांवचो आशिल्लो, त्या वेळार हांवें तो पळयलो. बारीक बारकायेन पळयतकच म्हाका लक्षात आयलो की ज्या व्यक्तीन, ज्या चलयेन हो फॉर्म धाडलो ताजो बापूय एक ओपोजिशन सायडीचो व्हडलो पॉलिटिशियन. म्हाका अजाप जालें. हांवें फोन केलो, फोन करून विचारले काय म्हणजे तुजो बापूय येतो व्हडलो पॉलिटिशियन असताना, हांव तुज्या बापायच्या वेगळ्या पक्षान असताना तूं म्हाका कित्याक फॉर्म धाडटा, तुमच्या पक्षाच्या कोणाकडे? ताणें म्हाका उत्तर दिलें तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. तें म्हणलां की आपूण 12वी जातकच अमेरिकेक शिकपाक वचूंक सोदताले. काळ जावन खंय तरी पक 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 जाताले. खंय तरी भंय दिसतालो एकटे आपूण अमेरिकेन वतले ते आपले जातले कशे. तुवें ही स्कीम डिक्लेअर केली आणि ह्या स्किमी डिक्लेअर जायना फुडें म्हाका एक वेगळेच कॉन्फिडन्स आयले. चलयांची कितें तरी म्हत्व आसा हे लक्षांत आयलें. आपणें युनिवर्सिटीक अर्ज केलो आनी आपल्याक एडमिशन मेळ्ळां. 3 म्हयन्यांनी आपूण अमेरिकेक वतले. पयशे आपल्या अधिकाराचे तुज्या सयेन आपल्याक जाय. आणि म्हणून हांव तुमकां इतलेंच सांगता की जे डेव्हलपमेंट आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसत, सोशल सेक्टराचेर आसत,
ते केवळ भारतीय जनता पक्षान केलं. हा तुमका हे कित्याक सांगता, कारण काही काँग्रेसवाले पर्रीकरान कितें आपल्या बॉल्सांतले दिले. पर्रीकराच्या बॉल्सान इतले पयशे ना की हांव 10 जणांक सुद्दां डीएसएस दिवं, हांव 10 जणांक ग्रहदार दिवंक शकतलो. हांगाचे तुमच्या आमदारा कडे 1-2 वर्सां सस्टेन करपाक इतले पयशे आसात, कारण तांच्यानी जमनी एके वटेन हायकमांड म्हणलो, दुसऱ्या वटेन हायकमांडाच्या फुडें लोटांगण जालो. अशा लोकांनी भरपूर पैसे जोडलेले आता तिकडे असत. पण माझा प्रश्न असा, इतले हजारांनी कोटी गेले 5 वर्सांक 4000 कोटी आमच्या सरकारान लोकांपर्यंत पावले. हे 4000 कोटी आणि हे सुद्धा मायनिंग बंद पडलं असताना पावले. हे 4000 कोटी तुमचे सरकार आशिले, दिगंबराचे सरकार आशिले, त्यावर कोणाच्या वंशान गेले ताजे उत्तर आमकां दिया. काँग्रेसवाल्यांनी गोयची लूट मारली, बारीक बारीक लोक येतात आमकां टोपयो घालूंक सोदता. आणि म्हणून हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदता की येत्या त्या निवडणुकीक बारीक विचार करा, गोंयचो विचार करा, गोंयच्या भवितव्याचो विचार करा. येता त्या 5 वर्सां गोंयची बेकारी पूर्णपणे काबार करपा खातीर आमी वचनबद्ध आसा. सगळ्यो सिटीज इन्फ्रास्ट्रक्चर इंटिग्रेटेड ट्रांसपोर्ट, इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट ह्यो सगळे आमचे फोकस एरिया. ह्या सगळ्या एरियान आमी डिलिव्हर करतले हे आश्वासन दिता. तुमकां फक्त आमची इतलीच विनंती आसा आयज दामबाबाच्या दिसा की घरान कमळ फुलयात, आणि कमळा बरोबर लक्ष्मी येता. इतल्याच संकांत देव बरे दिवस. देव बरे करू मनोहर भाई. कमळ फुलयात आणि कमळा बरोबर लक्ष्मी येता अत्यंत खरे. आणि भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येऊप फॉर डेव्हलपमेंट अँड स्टेबिलिटी ही काळाची गरज. आमच्या मध्ये आज उपस्थित असतात आणि ज्यांची तुम्ही सगळ्या आतुरतेने वाट पळतात, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शहाजी आप सभा को संबोधित कीजिए. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की. अरे ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ उठाकर 2/3 बहुमत के संकल्प के साथ दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी को मालूम पड़े बड़गांव में भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं. ऐसे बोलिए, भारत माता की, भारत माता की. मंच पर उपस्थित प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विनय तेंदुलकर जी, भारत के रक्षा मंत्री और गोवा के दिग्गज नेता श्रीमान मनोहर पर्रिकर जी, आयुष मंत्री, यहां के सांसद श्रीपाद नाइक जी, गोवा के ही सांसद श्री नरेंद्र, अरे भाई खींचने दो फोटो, ओ सिक्योरिटी वाले चले जाएंगे 2 मिनट में, श्री नरेंद्र सवाईकर जी, श्री दामोदर नाइक जी, प्रत्याशी श्री सरमद रायतुरकर जी, प्रत्याशी श्री सुभाष नाइक जी, भाजपा के प्रत्याशी श्री आर्थर डिसिल्वा जी, भाजपा के प्रत्याशी श्री विनय तारी जी, श्री सर्वानंद भगत जी, श्री निर्मल कुमार जी, आज यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, काउंसिलर मित्रों और बड़ी मात्रा में आए हुए प्यारे गोवा के भाई और बहनों, 4 तारीख को गोवा में चुनाव, और सिर्फ गोवा में नहीं है, देश के 5 राज्यों में चुनाव है. पश्चिम से गोवा से लेकर ठेठ पूर्व में मणिपुर तक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, ये सब जगह पे चुनाव है. ये 4 तारीख को गोवा की जनता ने तय करना है
कि अगले 5 साल के लिए एक खूबसूरत गोवा का शासन किस पार्टी के हाथ में है। मित्रों, आपको चयन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में नहीं करना है, आपको पसंदगी करनी है कि भ्रष्टाचार चाहिए या विकास चाहिए। इस पर गोवा ने मत डालने हैं 4 तारीख को। 4 तारीख को गोवा की जनता ने तय करना है कि 10 साल में 12 से ज्यादा मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस चाहिए या स्थिर सरकार और विकास देने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए। मुझे मालूम है मित्रों, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा के अंदर जो विकास किया है और 2.5 साल के अंदर देश में नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने जो विकास किया है, गोवा की जनता इस बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। और मित्रों, मैं आपको पार्टी के अध्यक्ष के नाते कहने आया हूं, एक बार गोवा की जनता स्थिर सरकार बना दे, 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर एक बार ला दे, हम गोवा को देश का मॉडल स्टेट बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभी अभी विगत 3-4 महीनों में कांग्रेस की भी सबसे बड़ी नेता सोनिया जी भी गोवा आई और नरेंद्र मोदी जी भी गोवा आए। नरेंद्र मोदी जी गोवा आए तो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने के, और सोनिया जी गोवा आई तो आराम करने के लिए गोवा आई। दोनों पार्टी का भविष्य एक दोनों नेताओं ने गोवा की जनता के सामने रख दिया है। अगले 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने विकास करना है और अगले 5 साल कांग्रेस ने आराम ही आराम करना है। मित्रों, 2014 में इस देश की जनता ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया और 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम किया और नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बना। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी सरकार एक के बाद एक विकास की दिशा में कदम उठा रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ावा करना हो, चाहे रोजगारी देनी हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का काम हो, चाहे जनधन योजना से गरीब को जोड़ने का काम हो, चाहे गोवा के अंदर बड़े ब्रिज बनाने हो, मझगांव डॉक के अंदर बड़ा ऑर्डर देकर यहां पर रोजगारी की उपलब्धि करानी हो। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 2.5 साल के अंदर जितना कांग्रेस ने 50 साल में योजनाएं बनाकर विकास का प्रयास नहीं किया था, इतना 2.5 साल में। और अभी अभी कांग्रेस के नेता राहुल बाबा को मैंने एक बार सुना, राहुल बाबा कहते थे, मोदी जी आपने 2.5 साल में देश को क्या दिया। अरे राहुल बाबा, हमें तो 2019 में हिसाब देना है, एक एक क्षण का, एक एक सेकंड का, एक एक पाई का हिसाब लेकर देश की जनता के सामने जाएंगे। मगर आप बताओ कि 60 साल तक आपके परिवार का इस देश पर शासन हुआ रहा, 60 साल तक आपने क्या किया, ऐसा देश बना दिया जिस देश में 60 करोड़ लोगों के पास अपने घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं है, ऐसा देश आपने बना। हमने 1 साल के अंदर 20 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट देकर हर घर में बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया। राहुल बाबा, आप हमें पूछते हो, हमने तो क्या किया इसका हिसाब हम देंगे, आपने इस देश को क्या दिया,
आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जिनको कभी बोलते हुए देश की जनता ने सुना ही नहीं। हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया जो देश की समस्या पर, हर समस्या पर देश की जनता के साथ खड़ा है, संवेदना के साथ, सुख में दुख में, चाहे वो फेस्टिवल का मौसम हो, चाहे गम का प्रसंग हो, इस देश का प्रधानमंत्री जनता के साथ खड़ा है। आपने 10 साल के अंदर, चाहे वो यूपीए की दिल्ली की सरकार हो, सोनिया मनमोहन की सरकार हो, चाहे गोवा के अंदर दिगंबर कामत की सरकार हो, 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपए का करप्शन इस देश के माथे पर। और मित्रों, कांग्रेस एक कांग्रेस बहुत समानता में मानती है। आप आश्चर्य मत होगा, मैं इनकी समानता समझाता हूं। इन्होंने करप्शन करने के लिए, भ्रष्टाचार करने में बहुत समानता दिखाई। देखिए, पूरी सृष्टि के 5 हिस्से होते हैं। सबसे पहले अंतरिक्ष आता है, वहां पर उन्होंने इसरो का घोटाला कर दिया, 2G का घोटाला कर दिया। बाद में आकाश आता है, नभ आता है, वहां हेलीकॉप्टर का घोटाला किया, एयर इंडिया के बोइंग खरीदने का घोटाला किया। बाद में जमीन आती है तो आदर्श सोसाइटी का घोटाला किया, CWG का घोटाला किया। बाद में समंदर आता है, वहां सबमरीन का घोटाला कर दिया। उसके बाद में पाताल आता है, वहां कोयला की खदानों का और गोवा की माइनिंग का घोटाला कर। चाहे अंतरिक्ष हो, आकाश हो, जमीन हो, समंदर हो, पाताल हो, हर जगह पे 12 लाख करोड़ के घोटाले करने वाले राहुल गांधी हमें पूछते हैं, आपने क्या किया? राहुल बाबा सुन लो, 23 साल में नरेंद्र मोदी सरकार पर, 5 साल में भाजपा की परिकर परसीकर सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है, ऐसी सरकार हमने देने का काम। आप हमें सवाल पूछते हो, 5 साल में हमने क्या किया? अभी अभी कमलनाथ जी को मैं सुन रहा था, कमलनाथ जी कहते थे, नरेंद्र भाई बहुत विदेश के दौरे पे जाते हैं। अरे कमलनाथ जी, रिकॉर्ड ठीक कर लो, 10 साल में जितना मनमोहन सिंह 1 साल की एवरेज से गए हैं, उससे कम नरेंद्र मोदी जी विदेश गए। मगर आप गलत नहीं हो गई, सभी लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि पहले मनमोहन सिंह जी जाते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था कि वो विदेश कब गए और कब आ गए। अब नरेंद्र भाई जाते हैं तो जहां जाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाए, अमेरिका जाए, रशिया जाए, चीन जाए, इंग्लैंड जाए, जर्मनी जाए, जापान जाए, भूटान जाए, लंका जाए, ब्रह्मदेश जाए, जहां जाते हैं हजारों हजारों की भीड़ नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर दिखाई पड़ती है। और ये स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं, ये स्वागत भारतीय जनता पार्टी का नहीं, ये स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है, गोवा की जनता का स्वागत है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को विदेश में जो सम्मान मिलता है, वो देश के स्थान के हिसाब से मिलता है। 25 साल में नरेंद्र भाई ने दुनिया में देश को प्रमुख पंक्ति के देश में बिठाने का काम। और राहुल बाबा हमें पूछते हैं, हमने क्या किया? मित्रों, अभी अभी मनोहर जी ने पूरा कच्चा चिट्ठा गोवा सरकार के भ्रष्टाचार का रखा है। मैं इसकी बहुत डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर मैं कहना चाहता हूं मित्रों, गोवा की सरकार ने हमें एक बार 20 का आंकड़ा पार करा दिया। सामान्य बहुमत दिया था या नहीं भाई, बताओ आपने? सामान्य बहुमत दिया था ना, हमने स्थिर सरकार दी। एक बार 2/3 बहुमत दे दीजिए, हम गोवा को देश का सर्वप्रथम राज्य बना कर देंगे। गोवा की सरकार ने स्थिरता के साथ साथ विकास का भी परिचय गोवा की जनता को कराया है। मित्रों,
मैंने देखा है यहां। जब मैं देख रहा था मुझे यहां से कुछ डिटेल प्रदेश कार्यालय की ओर से दे दी गई। अभी मनोहर पर्रिकर जी बता रहे थे गृह आधार योजना। मित्रों, महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसी योजना मैंने कहीं नहीं। एक ऐसा संवेदनशील मुख्यमंत्री जिसके पास रिपोर्ट आती है कि गोवा की कुछ महिलाओं के न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, हर महिला के अकाउंट में 1500 रुपया उसके न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चेक से पहुंच जाता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं ऐसी योजना देश में कहीं नहीं। लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के कई प्रोजेक्ट बनाने हो, बहुत सारे मित्रों काम यहां पर हुए हैं। मित्रों, जेटी के काम को भी, फिशिंग जेटी के काम को भी शुरू कर दिया गया है। गोवा शिपयार्ड के लिए भारत सरकार ने 36,000 करोड़ का ऑर्डर देकर बहुत बड़ी गोवा की एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम किया है। मित्रों, अभी हम जब मैं यूपी के चुनाव प्रचार में था, वहां पर राहुल बाबा ने एक किसान यात्रा निकाली। किसान यात्रा इस समय निकाली जब देश में एक ऐतिहासिक काम, जब यूपीए की सरकार थी इस देश में, चाहे वो असम की सरहद हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट की हो, चाहे कश्मीर की हो, आए दिन पर देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता था। जवानों के सर काट के ले जाए गए थे, उनको अपमानित किया जाता था, मगर देश की ओर से कहीं पर भी कॉन्क्रीट जवाब नहीं गया। मित्रों, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी आए, मनोहर पर्रिकर जी देश के रक्षा मंत्री बने और उरी में एक दिन बड़े सवेरे तड़के सुबह 4 बजे अपने जवान सोए हुए थे, जिन्होंने अभी अपना पूरा जीवन जीना बाकी था, उनको लड़ने का भी मौका दिए बगैर कायरतापूर्ण हमला कर उनको जिंदा जला दिया। 12 जवान शहीद हो गए और मित्रों पूरे देश में गुस्सा, निराशा, हताशा, ये क्या हो गया। पहले भी कई बार होता था, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कई बार हुआ, मगर उस वक्त थोड़े निवेदन हो जाते थे। पाक की राजदूत की ऑफिस में से हाई कमिश्नर की ऑफिस में एक आध को तलब कर वापिस भेज दिया जाता था और समाप्त हो, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर थे और एक दिन सुबह पूरी दुनिया आश्चर्यचकित हो गई, एलओसी क्रॉस कर हमारे बहादुर बांकुरे पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों को ठोककर बदला लेकर वापिस आए। ये परिचय है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का। मित्रों, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व और सीमा के सुरक्षा करने जवानों का शौर्य दोनों इकट्ठा होता है तो सर्जिकल स्ट्राइक। जब देश के जवान हथेली पे मौत को लेकर हिम्मत के साथ सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों को मारकर यहां आए थे, विजयी होकर आए थे, उस वक्त राहुल गांधी ने बयान दिया कि मोदी जी अब जवानों के खून की दलाली कर रहे हैं। मित्रों, इनको यह भी मालूम नहीं कि जवानों का शहीदगी एक दलाली का मुद्दा नहीं है। हमें बफर जैसी आदत नहीं है, हमें वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर जैसी आदत नहीं है, हमें स्कॉर्पियो सबमरीन जैसी आदत नहीं है। पहले अपना कार्य गरेबान राहुल गांधी आप देख लीजिए, अगर इतिहास मालूम नहीं है तो किसी को पूछ लीजिए। इस प्रकार के बयान देकर जवानों की वीरता को कलंकित मत करिए। मित्रों, 40-40 साल से इस देश का जवान वन रैंक वन पेंशन के लिए सरकार के सामने अपनी मांग रखा, 40-40 साल कांग्रेस की सरकारें थी, मगर वन रैंक वन पेंशन कभी नहीं। हमने 2014 में वादा किया था अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है
तो वन रैंक वन पेंशन हम जवानों को जरूर देंगे। और मित्रों, मुझे कहते हुए आनंद है कि नरेंद्र मोदी और मनोहर पर्रिकर जी ने वन रैंक वन पेंशन को एक ही साल में समाप्त कर 7000 करोड़ रुपया जवानों के बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम कर दिया। मित्रों, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कांग्रेस वाले अजीब प्रकार की इनकी फितरत, पूरा जीवन इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक भ्रष्टाचार को बचाते रहे, काला धन का संरक्षण करते रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था अगर हम आएंगे तो काले धन के खिलाफ एक लड़ाई। मित्रों, बहुत सारे काम किए मोदी सरकार ने, बहुत सारे काम किए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कई लेजिस्लेशन लाना, कई कानून लाना, अनेक प्रकार के प्रतिबंधों को लगाया है। मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं, मगर ये सारे कांग्रेसी 7 नवंबर तक मोदी जी को पूछते थे, ये कांग्रेसी ममता जी, माया बहन, नेताजी, अखिलेश जी, अरविंद केजरीवाल, सारे के सारे पूछते थे कि भाई मोदी जी, आपने काले धन के लिए क्या किया? हमने तो बहुत कुछ किया था। फिर भी पूछते थे 7 तारीख तक। जैसे 8 तारीख 12 बजे मोदी जी ने डीमोनिटाइजेशन किया, नोटबंदी की, दूसरे दिन ये पूछने लगे, पहले जो पूछते थे मोदी जी काले धन के लिए क्या किया, 8 तारीख को पूछते हैं काले धन के लिए ऐसा क्यों किया। ये क्या किया से क्यों किया उनके चरित्र को दिखाता है। 60 साल से भ्रष्टाचार कर जो इकट्ठा किया था, एक ही रात में मोदी जी ने उसको रद्दी बना लिया। मित्रों, रद्दी बना लिया, चेहरे के कलर उड़ गए थे, चेहरे पर से नूर उड़ गया। मित्रों, इस देश में से भ्रष्टाचार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। अगर गोवा का भी विकास करना है मित्रों, तो भारतीय जनता पार्टी को एक और मौका आपने देना पड़ेगा। बहुत सारे काम मनोहर जी ने बहुत सारा किया है। ये बहुत छोटा सा प्रदेश, मगर एक खूबसूरत प्रदेश, और ऐसा खूबसूरत प्रदेश है जैसे खूबसूरत चेहरे पर भगवान कहीं पर तिल रख देता है तो चेहरे की खूबसूरती 100 गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से गोवा खूबसूरत हिंदुस्तान के चेहरे पर तिल है। हम चाहते हैं इस छोटे से प्रदेश की एक संस्कृति है, इसको हम संभाल कर रखें, इसको आगे बढ़ाए और इसको देश के सामने और दुनिया के सामने एक मॉडल स्टेट बनाए। अभी मोदी जी कुछ महीने पहले दुनिया भर के 15 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों को यहां निमंत्रित किया। जितने भी लोग आकर गए सबने कहा कि गोवा का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मित्रों, मैं गोवा की जनता को कहने चाहता हूं, गोवा के 5 साल की भाजपा सरकार के कारण, केंद्र सरकार के कारण जिस इंफ्रास्ट्रक्चर के वखान 15 राष्ट्राध्यक्षों ने किए, ये तो शुरुआत है। मित्रों, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में न केवल भारत में, पूरे एशिया भर में गोवा को नंबर 1 पर बिठाना चाहते हैं। मित्रों, नंबर 1 पर हम चाहते हैं यहां का पढ़ा लिखा युवा नौकरी के लिए, काम के लिए न तरसे। हम चाहते हैं यहां पर इस प्रकार की व्यवस्था हो, इस प्रकार का कानून का शासन हो, इस प्रकार का भ्रष्टाचार विहीन शासन हो कि हर पढ़े लिखे नौजवान को अपने प्रदेश के अंदर ही नौकरी मिले, हर मजदूर को, हर किसान को अपने प्रदेश के अंदर ही काम। मगर उसके लिए जरूरी है कि हमें 2/3 बहुमत से एक बार, आपने 5 साल भरोसा किया है, हमारे साथियों ने 5 साल तक परिश्रम की पराकाष्ठा कर गोवा के विकास के लिए पसीना बहाया है। और मुझे मालूम है मैं कहां खड़ा, पूरे गोवा का विजय मायने नहीं रखता अगर यहां भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलता है। तो मित्रों, आप बताइए यहां से कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंक देंगे? हाँ या ना बोलिए, फेंक देंगे?
भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे, भाई नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, मनोहर पर्रिकर जी के हाथ मजबूत करेंगे, एक मजबूत और पारदर्शी सरकार बनाएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। देखो भाई, आप बोल रहे हो बटन जरूर दबाना, मगर इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन तो यहां मडगांव के अंदर दबे, करंट इसका इटाली में लगे। भाजपा को जिताएंगे तो मेरे साथ स्थिरता के और विकास के संकल्प के साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, यहां मेरे साथ पांच प्रत्याशी भी आए हैं, मैं सभी लोगों को आगे आने के लिए निमंत्रित करता हूं। ये पांचे लोग आपके आशीर्वाद के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपके सामने उपस्थित है। पांचे प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताकर दो तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनाइए, यही विनंती के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी। भारतीय जनता पार्टी देश भारत देशक सगळे जगात पहिले नंबराचेर पावतले जाल्यार ती फक्त भारतीय जनता पार्टी, गोय राज्याक एक आदर्श राज्य करतले जाल्यार ती फक्त भारतीय जनता पार्टी, आणि येणाऱ्या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीची सगळी सरकार तुम्ही निवडून हाडचे। आणि आयची ही सभा सोपली अशी जाहीर करता, येणाऱ्या 4 तारखेक भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाच्या चिन्हाचेर शिक्को मारतो, बटन दामतो, पातोडे ते दामू नायकाचे चिन्ह नंबर 1 आसा, ते सगळ्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाचेर नेटान बटन दाबून सगळे 5 कमळ फुलवची, तिच्यानी सभा सोपली अशी सगळ्यांक सगळ्यांक देव बरे करू म्हणटा। खास करून आयचे मानेस मुद्दम आयिल्ले माननीय अमित शाहजी, आमचे संरक्षण मंत्री नरेंद्र भाई, श्रीपाद भाई, सगळे उमेदवार आणि सगळे माननीय प्रेस मीडिया सेक्युरिटी हांचे सगळ्यांचे मन खासदारच्यान आभारी आसात, धन्यवाद। देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देखो आसमान में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है, परसों का तेरा रोशन हो रहा है।